सलाम बताओ पड़ेगा तो नादान बन रह सके के सके कुछ दम नहीं। Everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another beautiful day and a new vlog. I hope आप सब अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. इस vlog को आज के शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ढेर सारा thank you बोलना चाहती हूँ. वो इसलिए क्योंकि मेरे YouTube channel पे finally 500 subscribers हो चुके हैं and I'm very happy. क्योंकि ये बिल्कुल एक unexpected चीज थी. लोग मेरे vlogs को इतना पसंद कर रहे थे वो तो मुझे पता था, पर इतनी जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ये मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाजा नहीं था. सो थैंक यू सो मच. ऐसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोस को और मेरे जो व्लॉग्स आपको पसंद आए उनको शेयर करते रहिए ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली और ग्रो करे. और जैसे जैसे मेरी यूट्यूब फैमिली ग्रो करती जाएगी, जैसे ही हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करेंगे तब मैं अपने नंबर ऑफ व्लॉग्स जो आते हैं हर वीक वो भी बढ़ा दूंगी. तो जल्दी जल्दी से आप सब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए. और अगर आप मुझे डायरेक्टली YouTube के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो मेरा Instagram जो चैनल है उसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा, उसको भी फॉलो कर लीजिए. तो भाई आज का ये जो व्लॉग है ना ये बहुत ही एक मज़ेदार और बहुत ही ब्यूटीफुल व्लॉग होने वाला है. वो इसलिए कि आप लोगों को पता ही है मेरा जो छोटा भाई है, एक ही सिबलिंग है मेरा, वो इस वक्त दुबई में है. और इतने टाइम से वो दुबई में है कि मैं भी उससे नहीं मिली हूँ. फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ है कि 9-10 महीने से हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले हैं. वो कल भोपाल आ रहा है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है. और मतलब मेरे सिबलिंग्स से ज़्यादा ना ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो हम लोगों को बहुत मज़ा आता है साथ में, हम बहुत मस्ती करते हैं. जब हम लोग साथ में होते हैं ना, मैं और मेरा भाई, हमें किसी बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम लोगों की कंपनी एक दूसरे के लिए काफ़ी होती है. तो मैंने उसको बोला है कि भाई मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली को तुम्हें दिखाना है. तो जैसे ही अभी वो घर से एयरपोर्ट के लिए निकला है, दुबई एयरपोर्ट के लिए, तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंच जाएगा वो वहां से जाके मुझे वीडियो कॉल करेगा और फिर मैं आप लोगों को मेरे भाई को दिखाऊंगी वीडियो कॉल पे. जब तक के लिए मेरे व्लॉग के साथ बने रहिए. पूरी चीज़ें जो भी होंगी, जहाँ जहाँ वो पहुँचेगा और जब वो घर आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाती रहूंगी. सो स्टे ट्यून्ड. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. आपके आपको कुछ चंद पल दुबई में कैसे लग रहे हैं? क्या? आपको अपने कुछ लास्ट मोमेंट्स दुबई एयरपोर्ट पे कैसे लग रहे हैं? इंडिया आने के लिए एक्साइटेड हो या सैड हो? दोनों. दोनों? तुम्हें पता है तुम्हारे आने का इतना एक्साइटमेंट नहीं है मुझे जितना गिफ्ट्स का है. अब तुम मेरे व्लॉग में लोगों को अभी वीडियो कॉल में दिख रहे हो, फिर एकदम ट्रांजिशन होगा और तुम सामने से दिखोगे. तो अरहम की एंट्री देखने के लिए मेरे व्लॉग में रुके रहे एंड स्टे ट्यून्ड. बाय कर दो सबको. बाय फ्रॉम दुबई. बाय फ्रॉम दुबई. 3:28 AM. मैं और मम्मी बैठ के देख रहे हैं मूवी और इस वक्त बज रहा है रात का 3:30. हम लोग वेट कर रहे हैं कि अरहम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच के हम लोगों को कॉल करे. अभी तक उसका कॉल नहीं आया है. आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ सम डिले. सो लेट्स सी वो कब तक हमें कॉल करता है. हम लोगों को भी बहुत तेज़ नींद आ रही है तो जैसे ही उसका कॉल आएगा उसके बाद हम लोग भी सो जाएंगे और फिर मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी सुबह जब अरहम घर पहुँच जाएगा. Day 2. अस्सलामुअलैकुम. आ गया क्या? हेलो. हाय. अरहम के आने से ज़्यादा एक्साइटमेंट जिस चीज़ की है पूरे की बैग खुलने की. ये तो वैसे मेरा बैग है तो प्लीज़ इग्नोर करिए इसे, बट ये बैग मुझे काफ़ी भारी लग रहा है. जो उम्मीद था इसमें बहुत. हाँ हाँ, तो इसमें बहुत सारे मेरे लिए गिफ्ट्स होने वाले हैं. इसको खोलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अरहम जल्दी से इसको खोले. अरहम इसको जल्दी खोले और हम लोगों को सामान दे. लेकिन इस वक्त बज रहा है सुबह का 8 तो नींद बहुत तेज मुझे आ रही है तो थोड़ा मैं इंतज़ार कर सकती हूँ. इस बैग को मैं छुपा देती हूँ अंदर ताकि मेरे उठने पे ये खुले. तो आधी चीज़ें उसने खोलना भी शुरू कर दी. दिस इज अ फ्यू इंचेस लेटर. मेरी गुड मॉर्निंग फाइनली हो चुकी है. मैं सुबह आई थिंक 9:30 तक सोई क्योंकि मेरी नींद लगी ही थी और अरहम आ गया तो उसका वेलकम किया और थोड़ी बहुत जो मुझे वीडियो बनानी थी आप लोगों ने देख ही ली होगी वो मैंने बनाई. और उसके बाद मैं सोकर उठी हूँ 4 बजे और मेरा तब भी सर थोड़ा भारी हो रहा था बट चाय वगैरह मैंने पी तो अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है. और हमारे साथ हैं जी जी
फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ है जब मैं अरहम से इतने दिनों बाद मिल रही हूँ. 9-10 महीने हो चुके हैं जब मैं ऑलमोस्ट आप एक साल ही मान सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं डबलिन जा रही थी तब मैं इससे मिली थी और मैं डबलिन में ही थी तब ये दुबई चला गया था और ये इतने दिनों बाद वापस आया. तुम बहुत दिनों बाद मिली. और अब जो है हम अरहम से पूछते हैं कि उसको भोपाल आके कैसा लग रहा है. मैं कोई अच्छा आंसर तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप कहीं भी बाहर से होके जब इंडिया आते हो ना तो इतना बुरा लगता है, और ख़ास तौर से क्योंकि दुबई मेरी इतनी फेवरेट कंट्री है. मैं तो जब जब दुबई से आती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. तो अरहम कैसा लग रहा है तुम्हें भोपाल आके? मिक्स फीलिंग, अच्छा भी बुरा भी दोनों. फैमिली से मिलने का अच्छा लग रहा है लेकिन दुबई से आने का बुरा लग रहा है. कोई बात नहीं, वापस चले जाना. बट यार ये तो फैक्ट बात है, जितने भी लोग आज तक दुबई गए होंगे अगर उनमें से कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप जब दुबई से या किसी भी और फॉरेन कंट्री से होके वापस इंडिया आते हैं या अपने होम टाउन आते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है. और इतनी देर में मैं ये करने वाली हूँ कि मैं भाई सुबह से ही गिफ्ट्स के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और जितना एक्साइटेड मैं अपने गिफ्ट्स देखने के लिए हूँ कि अरहम हम लोगों के लिए क्या लेके आया है, उससे ज़्यादा एक्साइटेड अरहम है क्योंकि मैं डबलिन से इसके लिए चीज़ें लेके आई थी वो मैंने इसको अभी तक खोले नहीं दिए. ये कवर्ड खोल रहा था, मैंने बोला बंद करो इसको, फिर इसको ब्लॉग में डालूंगी. तो इसने अभी तक अपने गिफ्ट्स ही देखे हैं. तो चलिए हम चल के देखते हैं अरहम को मैं उसके गिफ्ट्स दूंगी. वैसे तो मैंने इसकी कवर्ड में सब कुछ ऑलरेडी सेट कर दिया है, इसको बस निकाल के देखते जाना है. बट रिएक्शंस मैटर, तो हम देखते हैं कि इसको इसके गिफ्ट्स कैसे लगते हैं क्योंकि सारी चीज़ें मैं अंदाजे के बेसिस पे लाई हूँ, शूज़ से लेके लोअर्स, जीन्स, टी शर्ट, सब चीज़ें, क्योंकि इतना ज़्यादा साइज़ का डिफरेंस आ रहा था ना. इंडिया के साइजेस अब आर अ बिट डिफरेंट और वहाँ के थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो सब कुछ अंदाजे के बेसिस पे आया है. तो अब चल के देखते हैं कि अंदाजे के बेसिस पे भी मैं चीज़ें सही लाई हूँ या नहीं. यहाँ से स्टार्ट है और हमने सब चीज़ें सेट कर दी थी तुम्हारे गिफ्ट से. अमेजिंग, बहुत जबरदस्त. मेरे ये शो स्टॉपर है, ये तुम्हारी फेवरेट चीज़ जो तुम्हें चाहिए थी. बहुत जबरदस्त. ये सब कुछ मैंने अंदाजे से लिया है तो तुम्हें सब ट्राई करके देखना पड़ेगा क्योंकि साइजेस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक बार देख लेना. नाइस, बहुत अच्छी. हमने इस तरह सब सेट कर दिया था कि तुम आके सीधा गिफ्ट्स देखो. बहुत जबरदस्त, ज्यादा शॉपिंग कर ली मेरे लिए तुमने. ये सब कुछ अपने गिफ्ट्स देखो ताकि फिर मुझे मेरे गिफ्ट्स दिखाओ. अब तुम जितनी देर में ये सब ट्राई करके देखो फिर उसके बाद तुम मुझे मेरे गिफ्ट्स खोल के दिखाओ. अच्छी चॉइस तुम्हारी. ये जो लड़का है ना मेरा भाई जिसका नाम अरहम है, उसने पूरे बेड का ये हाल कर दिया है कपड़े ट्राई करने में. अब मैं पहले ये सब कुछ समेट के वापस से कबर्ड में रखूंगी, उसके बाद अपने गिफ्ट्स देखूंगी जाके. ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. मोस्ट अवेटेड जो मोमेंट है वो होने वाला है अभी. बैग खुल गया अरहम का गिफ्ट का और मुझे सबसे ऊपर मेरी फेवरेट चीज़ें रखी हुई दिख गई. ये मैंने स्पेशली मंगाई थी दुबई से क्योंकि ये हलाल जलीज होती हैं और मुझे बहुत जली खाना पसंद है. लोग समझ रहे होंगे ये क्या बच्ची है ये लड़की, पर कैरेमल और जलीज मुझे इतनी पसंद है. थैंक यू सो मच. चलो पहला सामान मुझे मिल गया, अब बाकी के बैग की अनबॉक्सिंग करते हैं. मुझे कुछ अच्छे अच्छे कपड़े भी दिख रहे हैं मेरे लिए, तो अब अंदर रूम में लेके चलें बैग मम्मी के पास. चलो. तो भाई हमारे ये सूट्स आप लोगों को यहाँ रखे हुए दिख ही रहे होंगे, अब सूट्स की हम करेंगे अनबॉक्सिंग. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद मैं उनको स्पेसिफिक दुकानों का नाम नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि वो वहाँ से चीज़ें खरीदें एंड ऑल, बट इन रियलिटी मैं एक्चुअल में अपने सूट्स बाहर से ही मंगवाती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी बैग में रखे हुए हैं. तो अब हम एक एक करके दिखाते हैं. इसमें सारे मिक्स्ड हैं गिफ्ट्स, कुछ गिफ्ट्स अरहम मेरे लिए लेके आया है और कुछ मेरे मामू खाला इन लोगों ने भेजे हैं. तो अरहम क्या क्या है वो बताते जाओ, मैं एक्साइटेड हूँ बहुत. ये मम्मी का सूट है. ओके ओ वाओ, ये अच्छी लग रही है, किसने भेजी है ये, किसकी है? तुम्हारी. ओ वाओ यार, मामा ने भेजी. ये मेरे मामू ने भेजी है यार, ये बहुत ही अच्छी लग रही है यार, है ना मम्मी?
एक्चुअली मुझे पता लग रहा था कि आपकी है, मेरी नहीं है. बहुत ही ब्यूटीफुल. मेरे बैग में सूट्स के अलावा कुछ भी नहीं है. अरम का बैग कोई देख के इतना हंसेगा, ये सोचेगा कि लड़का अपने लिए इतने सूट्स लेके जा रहा है क्या. लिटरली ऊपर से लेके नीचे तक. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. एक एक सूट मम्मी हम खोल के देखने वाले हैं. ये मैं ये ऐसी सारी चीजें मंगवाती हूँ, सब देख के हंसेंगे कि दुबई से ये मंगवा रही है. माशाल्लाह माशाल्लाह सूट से भरा ही हुआ है बैग. ये टी शर्ट्स हैं, ये पापा की होंगी आई थिंक. हटा दो इन्हें, मुझे सिर्फ मेरा सामान दिखाओ. मम्मी की वो भरती जा रही है. कलर्स इतने अच्छे हैं ना, मतलब अब मैं सारे एक एक सूट खोल खोल के देखने वाली हूँ. बाप रे, जब मैं पैकिंग कर रहा था ना खोल खोल के, उस टाइम पे बस मैंने कैसे जमाए मैं ही जानता हूँ. मतलब उसके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो मतलब सिर्फ कपड़ों के बीच में ही रख सकते हैं. ओके. हाँ, परफ्यूम्स वगैरह भी होंगे ना उसके. शूज़ तुम्हारे हैं? साइड लाओ, शूज़ मुझे दे दो, मैं इधर रख देती हूँ. मम्मी ने और मैंने मिलकर सारे सूट बाहर निकाल लिए हैं और अब हम इन्हें एक एक करके खोल के देखने वाले हैं कि कहीं किसी में कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है. वैसे तो डिफेक्ट होने का चांस ही नहीं है क्योंकि ये सारे सूट्स मैंने अपनी खाला के यहाँ से मंगवाए हैं दुबई से. बट स्टिल हम लोग खोल के देखेंगे क्योंकि ऑनलाइन देखने में और पिक्चर्स में देखने में और सामने से सूट्स देखने में फ़र्क होता है. और कुछ सूट्स मैं आप लोगों को भी दिखाती जाती हूँ, आप लोग भी देखते जाइए. बाकी के जो सूट्स हैं वो जब स्टिच हो जाएंगे और उनमें मैं पिक्चर्स अपलोड करूँगी तो वो सूट्स आप लोग वहाँ देख लीजिएगा. देख ही सकते हैं आप लोग कि कितने ब्यूटिफुल प्रिंट्स हैं और कितने अच्छे अच्छे और डिफरेंट कलर्स हैं. मतलब मेरा तो दिन बन गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई सारे सूट्स देख के. जितना ज्यादा मुझे बेसब्री से इंतजार था इन सूट्स का, उतना ही ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है इन्हें देख के. बहुत ही ब्यूटीफुल सूट्स हैं. A few minutes later. चलो. हाँ. गिफ्ट्स खोलने के बाद हम लोग बातें करने लग गए थे और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे डिनर करने. इस वक्त बज रहा है रात का 1 और हम लोग किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं हमारी खाला के घर. तो चलिए आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं. रात का 1 बज रहा है यार, इतनी मुश्किल से हमें परमिशन मिली है, वो भी क्योंकि कुछ काम था तो हमें जाना पड़ रहा है. इसलिए आपको ये सारी एक्सक्लूसिव चीज़ें देखने को मिल रही है ब्लॉग में आज. ये लोग सोचेंगे कि बेल, ये लोग बेल कोई कैसे बजा सकता है अंदर आके. गेट तो लग चुका है. गेट में एक्चुअली ताला लगा हुआ था तो हम लोग गेट कूद के आए हैं और अब पीछे ना ये पूरा लग गया है तो इसकी वजह से वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी. बहुत मुश्किल से आए हम लोग. और ऊपर बालकनी से पहले कोई देखेगा कि कौन है. तो थोड़ी देर खाला के घर पे बैठने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर और बहुत तेज़ हम लोगों को नींद आ रही है और हम भी बहुत थका हुआ है. तो इस व्लॉग को अब मैं कल कंटिन्यू करूँगी. एक बार फिर से आप सबको हाय हेलो, मैं आ चुकी हूँ फिर से वापस यहाँ पे. वो इसलिए क्योंकि अरहम दुबई से आ चुका है, वो तो आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया. अरहम के साथ मेरी नानी, मेरे कुछ कजन्स वगैरह भी दुबई से वापस आए हैं. इसी वजह से आज है मेरी खाला के घर पे, मेरी जो बड़ी वाली खाला है उनके घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर, एक छोटी सी दावत उन्होंने रखी है. क्योंकि इस बार बकरा ईद पे मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि कोई भी नहीं था यहाँ पे, सबने दुबई में ही ईद करी. तो जितना हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हमेशा ईद पूरी फैमिली के साथ, वो उतना ज़्यादा अच्छे से हम ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे क्योंकि कोई भी नहीं था यहाँ पर. क्योंकि ये लोग अब आ गए हैं तो इसी खुशी के मौके पर खाला के यहाँ एक छोटा सा गेट टुगेदर है. तो मैंने सोचा कि अरहम आया है, वो तो मैं आप लोगों को दिखा ही रही हूँ और मैंने दिखा ही दिया, तो क्यों ना मैं आप लोगों को घर की ये जो दावत है, जो गेट टुगेदर है, ये भी दिखा ही दूँ. मैं हो चुकी हूँ पूरा तैयार, मैंने कपड़े भी अपने चेंज कर लिए हैं, मेकअप भी डन है मेरा, बस बाल थोड़े फ्रिजी हो रहे हैं बारिश के मौसम की वजह से, वो मुझे थोड़े अभी सही करने हैं. उसके बाद हम निकलेंगे खाला के घर के लिए. सो स्टे ट्यून्ड. आप लोगों को वहां जाने से पहले मैं अपना पूरा आउटफिट भी दिखाऊंगी और वहां चलते हैं. आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि हमारी जो घर की दावतें होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं,
वो किस तरह के होते हैं, कौन कौन आने वाला है, वो सब आपको वहां देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। मैं हो चुकी हूँ रेडी, इसलिए आ गई हूँ यहाँ पे आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाने। दावत में पहुंच के आउटफिट दिखाने का रिस्क मैं नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मैं भूल जाती हूँ अपना आउटफिट दिखाना और वो चीज रह जाती है ब्लॉग में। सो दिस इज माई आउटफिट फॉर द डे। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कुछ ब्लैक पहनूं, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, बट गर्मी इतनी थी कि मैं पहन ही नहीं पा रही थी, बट आज मैं नहीं रुक पाई, अपने आप को रोक नहीं पाई, तो इसलिए मैंने पहन लिया है ये ब्लैक सूट जो मम्मी ने मुझे ईद पे दिया था। इसको पेयर किया है मैंने इन न्यू सिल्वर सैंडल्स के साथ में जो मेरी मामी ने मुझे गिफ्ट में भिजवाई है अभी दुबई से। एंड ये मैंने बैंगल्स भी पहनी है क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था। एंड यहाँ पे मेरा फेवरेट वाला जो मैं ब्रेसलेट पहनती हूँ वो है, और इन सब चीजों को मैंने पेयर किया है अपने इन इयररिंग्स के साथ में जो मेरे ट्रेडिशनल सेट के साथ आए थे। मैंने अपना नेकलेस इसलिए नहीं पहना है क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हो जाता। बेसिक कुछ रिंग्स है एंड माय नेल पॉलिश, सो आई एम ऑल सेट। अब हम चलते हैं दावत में, बाकी के नजारे मैं आप लोगों को वहां से दिखाऊंगी। हम लोग मेरी खाला के घर पे पहुंच चुके हैं और अंदर आते ही सबसे पहले ये यम्मी सीख कबाब मुझे दिख गए जो मेरे फेवरेट हैं। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, सबसे मिलना भी है। बट मेरी खाला ने मुझे स्पेशली बोला था कि उनके घर का ये वाला पार्ट मैं अपने व्लॉग में ज़रूर डालूं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे व्लॉग बनाया था ये सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट था। अभी सब कुछ रेनोवेट हुआ है, सो इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी लाइवली। अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ अंदर हॉल में जहाँ पे सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, जिसके बाद मैं आप लोगों को यम्मी खाना दिखाऊंगी जो आज बना है। बाहर सीख कबाब तो आप लोगों ने बनते हुए देख लिए, ये बाकी का खाना है जो अंदर टेबल पे लगा है। सब कुछ मेरी खाला ने बनाया है एंड एवरीथिंग इज सुपर डिलिशियस। हम लोगों का डिनर हो गया था तो हम लोग ऊपर बालकनी में आ गए हैं सारे कजिन्स, और यहाँ पे बैठ के हम थोड़े गेम्स वगैरह खेल रहे हैं और हुक्का पी रहे हैं एज यू कैन सी। तुम्हारे क्लास नहीं आए, दोबारा लाओ। अरे हम अरे वन टू थ्री गो। तो इस वक्त रात का ऑलमोस्ट 4 बजने वाला है और अभी जाके पूरी दावत पूरी पार्टी ख़त्म हुई है और सब लोग घर गए हैं। बहुत महीनों बाद एक ये रियूनियन हुआ था, सारे कज़न सारे फैमिली मेम्बर्स सब जो बाहर गए हुए थे वो वापस आए थे, तो बहुत मच नीडेड रियूनियन था ये। हम लोगों ने हुक्का वगैरह पिया, खाना खाया, कार्ड्स खेले, और अरहम से मैं पूछूंगी कि उसको कैसा लगा क्योंकि इतने दिनों बाद वो सबसे मिला, तो कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा, स्पेशली ब्लफ खेलना थोड़ा भूल गया। हम लोग सारे कज़न्स जब मिलते हैं तो हम लोग कार्ड्स खेलते हैं ब्लफ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो सारी चीज़ें हुई। अब हम लोग निकल रहे हैं बस घर के लिए, तो बाकी का ब्लॉग मैं घर जाके कंटिन्यू करूँगी। कल रात को मेरी खाला के घर पे जो दावत थी वो तो आप सबने देखी ही। वहां से वापस घर आने के बाद मैं इतना ज्यादा थक चुकी थी कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी मैं यहाँ पे आके व्लॉग एंड करूँ, तो अभी मुझे कहीं जाना था, मैं तैयार हुई थी तो सोचा आके यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। पहला ऐसा कोई व्लॉग है जिसमें मैंने आपको अपनी फैमिली की कोई गेट टुगेदर कोई दावत दिखाई है, तो इसको बहुत सारा प्यार देना मत भूलिएगा। मेरे व्लॉग को लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में, इनफैक्ट सारे ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो मुझे वहां पे भी फॉलो कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन।